हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं आकांक्षा खत्री और मैं कर रही हूं आपका स्वागत हमारे शो इमामी हेल्दी एंड टेस्टी कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल प्रेजेंट्स पिकल्स ऑफ इंडिया सीजन टू। सीजन टू है, नया ये है इस सीजन कि हम गए आपके लिए इंडिया के हर एक कोने में 29 स्टेट्स में और वहां से ढूंढ के लेके आए आपके लिए 29 टैलेंटेड होम शेफ्स जो यहाँ आएंगे और आपको सिखाएंगे अच्छे अच्छे 29 पिकल की रेसिपीज। तो चलिए बुलाते हैं हम हमारी आज की होम शेफ को जो है स्मिता जी बिहार से, उनका स्वागत करते हैं। स्मिता जी वेलकम ऑन द शो। थैंक यू वेरी मच आकांक्षा, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। प्लेजर। सो आज हम क्या बनाने वाले हैं? आज हम बनाएंगे ओल का चोखा। अब आप मुझे बताइए ओल क्या है? ज्यादातर लोग इसे इंग्लिश में बोलें तो एलिफेंट्स फुट बोलते हैं, याम इज अ वेरी जेनेरिक वर्ड फॉर इट, लेकिन हमारे बिहार में इसे ओल बोला जाता है, ओल का चोखा। ओके, तो सबसे पहले हमें पिकल को बनाने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले हमें एक कढ़ाई चाहिए और उसमें थोड़ा पानी उबलने के लिए डालेंगे। बस इतना पानी काफी है। अब इसमें याम डालेंगे, ये हमने लिया है 250 ग्राम याम को अच्छे से धो के छोटे छोटे क्यूब्स काट लिए हैं। तो अब इसको हम इसमें डाल देते हैं, इसको उबाल आने तक इसको हम बॉईल करते हैं। तो इसको लगभग लगेंगे हमें 5-10 मिनट बॉईल होने में? 10 मिनट लगते हैं इसको अगर ढक के हम करते हैं तो। अब मुझे लगता है कि ये पक चला है तो इसको हम ना स्ट्रेन करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। और इसको स्ट्रेन करना भी बहुत ज़रूरी है इसलिए कि अगर पानी इसमें रह जाता है ना तो हमारा ओल का चोखा जो है वो थोड़ा सा गीला बन जाए। अब आप इसको हटा के मुझे एक सूखा बोल दे सकते हैं जी, जिसमें मैं इसको पलटी करूँगी। अब इसको मैं इसमें डाल रही हूँ जी। अब ये देखिए बिल्कुल बहुत अच्छे से ड्राई हो गया है, बट मेक श्योर कि इसको हम मैश करने समय ये वार्म रहे, अदरवाइज इसमें गुठलियाँ आ सकती हैं। अब इसे हम मैश कर लेंगे जी। देखिए कितने अच्छे तरीके से ये मैश हो रहा है। अब इसको खूब अच्छे से मैश करेंगे जिसमें कि हमारे इसमें एक भी गुठलियाँ ना पड़े जी। इट टेक्स से अबाउट 1-2 मिनट्स टाइम टू मैश इट कम्प्लीटली। अब देखिए ये बहुत अच्छी तरह से मैश हो गया है चारों तरफ से जी। सो अब इसमें हम सबसे पहले डालेंगे हल्दी। ओके, सो अब इसमें हम कलौंजी डालेंगे विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड अनियन सीड इन इंग्लिश। तो ये करीब 1 टेबल स्पून के बराबर है। उसके बाद 1 टेबल स्पून के करीब हमने ये अजवाइन डाल दिया। अब इसमें हम डालेंगे नमक। ओके, नमक इसमें हम स्वाद अनुसार ही डालेंगे। अब इसमें हम ग्रीन चिलीज और गार्लिक का क्रश लेते हैं तो ये हमने इसमें डाल दिया, करीब 4-5 चिलीज हैं ग्रीन चिली। अब हम एंड में डालते हैं पिसी हुई सरसों, पीली सरसों। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए ये पूरी तरह से अच्छे से मिक्स हो गया है, कितना खूबसूरत लग रहा है, पीला रंग, बीच बीच में आपको ग्रीन चिलीज दिख रहे हैं, बिल्कुल लग रहा है किसी आर्टिस्ट ने कुछ पेंटिंग किया है। ऐसे आपको बता दूं कि बिहार जो है इट्स वेरी फेमस फॉर फूड एंड आर्ट, वहाँ की मधुबनी पेंटिंग या सिकरी आर्ट इज वेरी फेमस। तो अब चलिए इसमें हम डालते हैं कच्ची घानी का तेल, यानी कि सरसों तेल, जो हमारे बिहार में हर सब्जी सरसों तेल में ही बनती है। तो हम लेंगे यहाँ पे हमारा इमामी हेल्दी एंड टेस्टी कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल। हाँ, इसकी धांस बड़ी अच्छी है, धांस जो कि हम बिहार में इसको झांस कहते हैं। हमारे मस्टर्ड तेल ऑयल की यही पहचान है कि इसमें खूब अच्छी सी झांस यानी कि धांस उठे। अब इस धांस को के साथ वाले सरसों तेल को हम इसमें अच्छे से डाल देते हैं। जैसे इन्होंने बात की कि इसमें धांस अच्छी आ रही है, तो इमामी हेल्दी एंड टेस्टी कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल जाना जाता है अपनी पंजेंसी और अपनी धांस के लिए। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब देखिए ये बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है और इसमें मस्टर्ड का अरोमा भी आ रहा है जी। अब इसको हम एक जार में ट्रांसफ़र करते हैं। आप हमें एक जार दे दीजिए, ओल के चोखे को भर लेंगे। तो इसको अब हम 2-3 दिनों के लिए धूप में रखेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल सनी डे में सबसे ज़्यादा अच्छा बनता है क्योंकि जितनी तेज धूप लगती है जी उतना जल्दी ये पकता है। पकता है। तो ये रहा आपका ओल का चोखा, ओल की चटनी या ओल का अचार। स्मिता जी थैंक यू सो मच बिहार की इतनी अच्छी रेसिपी हमारे साथ यहाँ पे शेयर करने के लिए। इमामी हेल्दी एंड टेस्टी कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल की तरफ से आपके लिए गिफ्ट हैम्पर। थैंक यू। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ देखने और सीखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए इमामी हेल्दी एंड टेस्टी। हम आपसे जल्दी मिलेंगे एक नए होम शेफ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।